So we can look to Romans chapter 9 today. तो आज हम रोमियो की किताब उसका नौवां अध्याय देखेंगे। So the first verse is, I am telling the truth in Christ. I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit. और जो नौवां अध्याय का जो पहला वचन है वो ऐसा कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं सच कह रहा हूँ और मैं झूठ नहीं कह रहा, और जो मेरा विवेक है वो इस बात की गवाही दे रहा है जो पवित्र आत्मा है उसके साथ। So, one great truth we can see in that first verse that conscience is not an absolute guide. तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम इस पहले ही वर्स में देखते हैं वो ये है कि जो हमारा विवेक है वही सिर्फ एक एक दंडमाप नहीं है। Conscience is a reliable guide only when Holy Spirit guides it. तो जो हमारा जो विवेक है वो तभी हम उसका साथ दे सकते हैं जब पवित्र आत्मा भी उसका साथ दे। In other words, what the Holy Spirit tells us to do, I mean, what the conscience tells us to do, we have to see whether there is the backing of the Holy Spirit there. तो जो हमारा विवेक हमको करने कहता है हमको ये भी देखना जरूरी है कि क्या पवित्र आत्मा भी हमसे वही करने कह रही है। We can see here in verse 2 and 3 the tremendous burden Paul had for his relatives and his fellow Jews. और दूसरे और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि उनके ऊपर कितना मन में भार था जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके लिए और So भाई he's, बहन के लिए। yeah, he's telling, I have a great sorrow and unceasing grief in my heart, for I could wish that I myself were accursed, separated from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen, according to the flesh. और उनको इस बात का इतना ज्यादा शोक था कि वह ये भी कहते हैं कि You can read that verse 2 and 3, sister. Is कि it मुझे बड़ा possible? शोक है, मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं आप ही मसीह से शापित हो जाता। So we can see here that the he Paul is telling, I wish that I myself were accursed. Accursed means cursed. तो यहाँ पौलुस ऐसे कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि मैं ही शापित हो जाता। Accursed is coming from a Greek word anathema. और ये जो शापित होना जो वर्ड जो शब्द है वो एक ग्रीक का एक वर्ड है उससे आता है जिसका मतलब है एनाथम। Anathema means ready to be delivered over to the wrath of God for eternal destruction. और एनाथेमा इसका ये मतलब होता है कि इस तरह से तैयार होना कि परमेश्वर की जो जो गुस्सा है उसके लिए उसमें उसमें सदा For eternal destruction, for के everlasting लिए destruction. उसमें सदा के लिए नष्ट हो जाना। Just imagine, Paul is telling, I'm ready to be eternally forsaken of God so that my fellow Jews can be saved. तो सोचिए जरा कि पौलुस ऐसा कहते हैं कि वो अपने आप को इस तरह के नष्ट करने के लिए भी तैयार थे उनके जो इजरायली भाई बहन हैं उनके लिए। We can see there the same spirit of Jesus Christ. और यहाँ हमें वो वैसी ही आत्मा दिखती है जैसा कि यीशु मसीह में थी। In I think 2 Corinthians 5:21, it's written, He who knew no sin became, that is Jesus Christ, who knew no sin became sin for us, that we can be the righteousness of God in Christ Jesus. तो जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय के 21वें वचन में देखते हैं, जो पाप से अज्ञात था
उसी को उससे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। See, we know that Jesus, who knew no sin, he, for our sake, he suffered hell, punishment of hell. That aspect should be always fresh in my mind. तो हमें ये चीज हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज हमेशा ताजगी से रहनी चाहिए कि यीशु मसीह जिनमें कोई पाप नहीं था, वो अज्ञात थे, फिर भी वो हमारे पापों के लिए He became a sin. He became, he suffered hell for us. हमारे पापों के लिए वो पापी ठहराए गए और उन्होंने नरक हमारे लिए झेला। And in return, what I get, I am clothed with his righteousness. God looks at me as if I'm as holy as Jesus Christ is holy. और उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें उनकी धार्मिकता मिली और परमेश्वर हमारी और इस तरह से देखते हैं जैसे कि हमने कभी पाप किया ही ना। It is an amazing love of God. और ये एक बहुत ही अद्भुत प्यार है परमेश्वर का। And what I desire is, Lord, I want to be gripped by that love. और ये मेरी इच्छा है कि इस प्यार से मैं इतना इस प्यार के मैं इतना वश में रहूं। And here we also see an example of Moses in the Old Testament, where he said, you know, when the fellow Israelites became idolaters, He was asking God, please forgive the sin, otherwise blot out my name from the book of life. और ऐसा ही कुछ हम पुराने नियम में देखते हैं, जब मूसा ये ऐसा कहता है, जब वो देखता है दूसरे इसराइलियों को मूर्ति पूजा करते हुए, वो ये कहता है कि परमेश्वर इनको इनको माफ कर दीजिए। So that is the spirit of all real godly men, and we can see that the greatest example is Jesus Christ. और ये जो आत्मा है, ये हम सारे ही धार्मिक संतों में देखते हैं, ये ऐसी आत्मा होना, और यीशु मसीह में ये सबसे सबसे पहले थी। Yeah, we I want to be challenged by that. और मैं इससे प्रभावित हूँ। And we can see in verse 4 and 5, he is telling about these fellow Israelites. और जो चौथा और पांचवा वचन है उसमें हम देखते हैं कि वो इसराइलियों की बात कर रहे हैं। There tremendous privilege we can see in these two verses. और उनके पास उनका उनको जो मिला था उस चीज का इसमें विवरण किया हुआ है। But we should also remember that we are the spiritual Israel. बट हमें ये याद हमेशा याद रखना है कि हम जो है हम आत्मिक इज़राइल हैं। And as I think it is written in Romans chapter 11, we are grafted into that tree. We Gentiles are grafted into that tree by Jesus Christ. और ये रोमियो के 11 में ऐसा लिखा हुआ है कि हम जो है हम काट के उस पेड़ में सींचे गए हैं जिस जो यीशु मसीह है। And whatever is written here is also true in our behalf. और यहाँ जो लिखा है हुआ है वो हमारे लिए भी सत्य है। We can see it, first of all they to whom belongs the adoption as sons. So we are also adopted into that family of Jesus Christ as sons. तो हमारा भी जो है हम भी यीशु मसीह के परिवार में अपनाए गए हैं। As sons, as God's sons. पुत्र की तरह, परमेश्वर के पुत्रों की तरह. And the glory of God, of Jesus Christ, that also belongs to us. Verse 4. और जो परमेश्वर की महिमा है, वो भी हमारे हमारे लिए है. Here then it's written about covenants. We know that that Mosaic covenant and the other covenants are not true, but at least the new covenant is God has given what God gave to Israel. It is also true for each one of us. और यहाँ पे उन नियमों और वचनों के बारे में भी लिखा हुआ है, तो हमारे लिए जो नया करार है हमारे लिए वो मायने रखता है। Then giving of the laws,
the temple service, the promise of God, all these are ours. और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यवस्था, वाचाएं, प्रतिज्ञाएं, ये सारी जो चीजें हैं ये हम पर भी लागू होती हैं। And verse 5, whose are the fathers? We can say Abraham, Isaac, Jacob, Moses, all these belong to us also as spiritual Israel. और अंकल द फर्स्ट वर्स 5, वर्स 5, whose are fathers? It's written there in verse 5. Yes, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और जैसे पांचवा वचन में लिखा हुआ है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं से हुआ। So, even Abraham belongs to us. तो अब्राहम भी हमारे लिए हैं। You know, there's a verse in I think Galatians chapter 3 where it's written the blessing of Abraham can come upon the blessing of Abraham is in him all the families of earth is blessed. और जैसे गलातियों की किताब में लिखा हुआ है कि अब्राहम की जो आशीषें हैं वो हम सभी के लिए हैं। So God told Abraham that in you all the families of earth will be blessed. और जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि उसके द्वारा जो पृथ्वी की सारी परिवार है वो आशीष पाएंगे। Today through the Holy Spirit the church can become a blessing to all the families of the earth. और आज के दिन जो जो कलीसिया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष का कारण बन सकती है सारे जहान के लिए। So we can remember that is what I'm called to, each one of us are called to. तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि हम इसलिए बुलाए गए हैं। And it's written from whom is Jesus Christ according to the flesh. Uncle, which verse? Yeah, verse 5 only, what you have read in fact. And it's written about Jesus Christ, who is over all, God blessed forever and ever. Amen. और जैसा कि पांचवे वचन में ही लिखा हुआ है कि और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सबसे ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है. आमीन. But it's written in verse 6 that it is not as though the word of God has failed. और छठवें वचन में जैसा लिखा है, परंतु ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन फल गया. We can see that even though Jesus came for the Israelites, most of them rejected him. और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह इसराइलियों के लिए आए थे, बट उनमें से बहुतों ने उनको अपनाया ही नहीं. Just think, the second person of Trinity came to the earth, and for whom he came, they themselves crucified him. और जरा खुद ही आप सोचिए कि जो दूसरा दूसरे शख्स है ट्रिनिटी के, वो ही आए और उन्हीं उन्हीं को, और वो जिनके लिए आए उन्होंने ही उनको अपनाया नहीं. And then God turned to the Gentiles. तो उसके बाद फिर परमेश्वर उनको छोड़ के जो जेंटाइल्स हैं उनके तरफ मुड़े. What is the reason why Israel was rejected? It seems as though they are rejected. What is the reason? तो ऐसा क्यों हुआ कि जो इज़राइल इज़राइली जो थे वो ऐसे ही उन ऐसे ही छूट गए. And when we read this chapter 9, 10, 11, etc., we can see that they did not follow the principle of faith and the principle of humility. जब हम ये रोमन्स का ही 9, 10 और 11 अध्याय पढ़ते हैं तब हमको ये दिखेगा कि उन्होंने जो विश्वास की बातें थी और जो अधीन होने वाली बातें थी उनको ही कभी अपनाया नहीं. Maybe if we can just see one verse, Romans 11:20 is written. Quite right, they were broken off. That is, Israel was broken off from that tree of Jesus for their unbelief. But you stand, that means we Gentiles stand by your faith. Do not be conceited but fear. So we can see there the principle of faith and the principle of humility, or the opposite of pride. Yeah.
और हम यही चीज रोमियो के 11 अध्याय वचन 20 में देख सकते हैं, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय कर। So, we can say that today we can also be in that position if we are, if the spirit of unbelief is there in us, the spirit of pride is there in us, we can also reject the second person of Trinity, Jesus Christ, and the third person of Trinity, Holy Spirit. और हमें ये याद रखना है कि हम भी उन्हीं इसराइलियों की तरह हो सकते हैं अगर हमारे अंदर अविश्वास है, अभिमान है, और तो हम भी उनको, ये जो दूसरे पर्सन है ट्रिनिटी के, हम भी उनको ऐसा करते हैं कि हम उन्हें अपनाते नहीं है। That is why we read in that verse, we have to live in fear every day. इसलिए जैसा हमने उस वचन में पढ़ा कि हमको हर दिन भय में रहना है। There is a great need for us to live in that poverty of spirit. Otherwise, you know, the moment richness of the spirit enters, thinking that, okay, I know, I am somebody, or, you know, what happens is Jesus begins to resist us. और ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा इस एक दीन भरी आत्मा में हम रहे, नहीं तो यह होगा कि यीशु मसीह ही हमको दूर करने लगेंगे। Now we can see in verse 7, it's written about they are not all children because they are Abraham's descendants. Through Isaac your descendant will be named. और जो रोमियो 9:7 और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि आइज़क ही से तेरा वंश कहलाएगा। We know that Abraham has many sons. Ishmael was one from Keturah. He had other children, but God chose Isaac, and Isaac was given through promise of God. और हम जानते हैं कि इब्राहिम के और भी बहुत संतानें थी, जैसे इश्माइल थे और इश्माइल के भी बहुत संतानें थी, बट परंतु जो प्रतिज्ञा का जो जो फल था वो आइज़क था। So Isaac was born through promise of God. तो आइज़क का जन्म हुआ था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार। That is what we read in verse 8. It is not the children of flesh who are the children of God, but the children of promise are regarded as descendants. और यही चीज हम 8वें वचन में पढ़ते हैं, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। See, we have to always remember, just because, say for example, one person is a believer, his son or daughter will never become believers. Each one should have a personal relationship with Jesus Christ. तो यह वैसी ही बात हुई कि जैसे कोई भाई विश्वासी है तो उसके उसके बच्चे अपने आप ही विश्वासी नहीं बन जाते, क्योंकि हर एक को अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ एक 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 नजदीक का रिश्ता होना चाहिए, तभी वो विश्वासी बनता है। Just because I am a believer, my children will not become believers. They each one should have that personal connection relationship with Jesus. और मैं विश्वासी हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे बच्चे अपने आप ही विश्वासी बन जाएंगे। हर एक को उनके जीवन में यीशु के साथ नजदीक से चलना है, एक नजदीकी रिश्ता रखना है, तब वो so, विश्वासी बनेंगे। Even in our Christian life, the entire Christian life is also based on the promise of God. और हम किस तरह से अपनी क्रिस्ती जीवन में बढ़ते हैं वो भी इस पे निर्भर करता है। 2 Peter 1:3-4, I think many of you know that verse. It's written that by the Holy Spirit and by the great and marvelous promise of God, we can flee the corruption that is in the world by lust and can become partakers of the divine nature. और दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 4वें वचन में जैसे लिखा है, जिनके द्वारा उसने अपने बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होता है, ईश्वरीय स्वभाव से
संभागी हो जाओ. See, there's a tremendous calling that I can become partaker of the divine nature, God's own nature. और ये हम सबकी बुलाहट है कि हम जो ईश्वरीय स्वभाव है हम उसके सहभागी हों. See, we know the nature of pig and the nature of cat. तो हम सभी जानते हैं कि एक सुअर और एक बिल्ली का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है. No, nature of pig is to love dirt. Nature of cat is to hate dirt. और जो सुअर है उसका स्वभाव ऐसा होता है कि उसको गंदगी अच्छी लगती है और बिल्ली को गंदगी अच्छी नहीं लगती. The amazing thing happens when we are genuinely born again is that nature comes into us. और जो बहुत ही अद्भुत बात होती है हमारे साथ जब हम विश्वासी बनते हैं कि हमारे अंदर एक एक स्वभाव आता है. When true repentance is there, we begin to hate sin. जब सच का मन बदलाव होता है, पछतावा होता है, तो हम पाप से नफरत करने लगते हैं. And see, that is the nature of God that comes into us more and more as we go on in Christian life. और ये परमेश्वर का स्वभाव है जो हमारे अंदर आने लगता है जैसे ही जैसे हम अपने क्रिस्ती जीवन में बढ़ने लगते हैं. Can you see anywhere a pig? Say, a cat. Imagine it has fallen into the dirt. It looks here and there. Nobody has seen. Okay, I'm happy. No, no cat is like that. The cat makes sure that there is no dirt remains. It licks and licks and removes all the dirt from its body. और क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई बिल्ली अगर कहीं गंदगी में हो और कोई देख ना रहा हो तो वो उसी में पड़ी रहे? वो कभी ऐसा नहीं करती. वो अपने आप को चाट चाट के साफ कर देती है, जरा भी गंदगी अपने पे रहने नहीं देती. सो दैट इज द ट्रू बिलीवर. ही ऑलवेज वांट्स टू बी क्लीन बिफोर गॉड. तो ऐसा ही एक सच्चा विश्वासी होता है वो जो हमेशा अपने आप को परमेश्वर के आगे साफ और शुद्ध पवित्र रखना चाहता है. In the same way, other things like forgiving nature, loving nature, all these slowly that nature of God comes into us as we go on with the Lord in our life. और ऐसे ही जैसे जो बाकी स्वभाव होते हैं क्षमा करने का, प्यार करने का और ऐसे बाकी जो ईश्वरीय स्वभाव है वो भी ऐसे धीरे धीरे फिर आने लगते हैं. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्ट्रगल. यू नो, से फॉर एग्जांपल, नो कैट स्ट्रगल्स टू हेट डर्ट. इट्स अ नेचर. सो दैट कम्स इनटू अस बाय द होली स्पिरिट. और इसमें कोई भी संघर्ष नहीं होता. कोई भी बिल्ली संघर्ष नहीं करती है साफ रहने के लिए. वो एक स्वभाव होता है जो अंदर आ जाता है. And we can see again the following verse 9. For this the word of promise, at this time I will come and Sarah will have a son. See, that is why we see that Isaac was born by promise of God. और जैसे कि आगे हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा. And we can see in verse 10, not only this, there was also Rebecca also, when she had conceived twins by one man, her father Isaac. For though twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's promise according to his choice would stand, not because of works, but because of him who calls. Verse 10 and 11. और 10वें और 11वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं, और केवल यह नहीं, परंतु जब रिबेका भी एक से, अर्थात हमारे पिता आइज़ैक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे, और न उन्हें कुछ भला या बुरा किया था कि उससे कहा कि जेठा छुटके का दास होगा. We know that Isaac he had Esau and Jacob as children. और हम ये जानते हैं कि Isaac के जो संतान थी वो Esau और Jacob थे. And before they were born, God told, verse 12, the older will serve the younger.
और वो उनके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने यह नियुक्त कर दिया था कि जो जो बड़ा था वो छोटे का का दास होगा। And verse 13, God made it very specific. Jacob I loved, but Esau I hated. और 13वें वचन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ऐसा एसो को अप्रिय जाना। See, here we can see the sovereignty of God. और यहाँ पे हम परमेश्वर के परमेश्वर की सॉवरेनिटी को देखते हैं। So, it's when we look at it, it looks as if it's an arbitrary choice. Okay, God chose one, God rejected the other. और अगर एक तरह से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये बस ऐसे ही किया हुआ ये है कि बस ऐसे ही एक को चुन लिया और दूसरे को छोड़ दिया। That is why Paul is telling in verse 14, what shall we say then? There is no injustice with God, is there? May it never be. और 14वें वचन में जैसा कहा गया है, तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर से यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। See, when we see, God knows our end from the beginning. Everything in our life, God knows already. तो परमेश्वर जो है वो अंत को शुरुआत से जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। That is because he is God. और क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर हैं। But that does not mean that, as some people say, okay, because God has determined like that, one day whatever I do, I'll either end up in hell or heaven. That is not the way it should be taken. तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा लोगों में स्वभाव आए कि तो फिर मैं कुछ भी करूं अंत में मैं नरक या स्वर्ग में ही जाने वाला हूं। No, we have to see that we have got a choice to make in our life. Many choices to make in our life. हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास हमारे जीवन में बहुत सारे चुनने के अवसर हैं। It's true that there is that sovereignty of God where God decides everything even before we are born. यह सच बात है कि परमेश्वर हमारे जन्म होने से पहले ही उनको सारी चीजें पता है। But just as I told earlier, this principle of faith and the principle of humility are such most important principles in our life by which our destination is decided. और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये जो विश्वास का नियम और दीन रहने का जो नियम है, ये हमारे आगे का जो हमारा भाग्य है वो निर्धारित करेगा। And we can see in verse 15, God is telling to Moses, I'll have mercy on whom I'll have mercy, and I will have compassion on whom I'll have compassion. और 15वें वचन में जैसे परमेश्वर कहते हैं, मैं जिस किसी पर दया का करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। See, we know about Pharaoh that God hardened his heart more and more as Moses was telling him. और हम फैरो के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर उसका जो हृदय है वो और कठोर कठोर करते गए। But God had mercy on the children of Israel. परंतु परमेश्वर की कृपा जो थी वो इज़राइलियों पे थी। That is why verse 16 is a very very important verse. It's written, it does not depend on the man who wills or on the man who runs, but on God who has mercy. और इसलिए जो 16वां वचन है वो बहुत ही जरूरी है, जो कहता है कि सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। See, just imagine, I can try to run with tremendous speed and I can will so greatly, but I need not reach the goal. तो जरा सोच के देखिए कि मैं पूरी जोर लगा दूं तेज चलने में, तेज दौड़ने में, लेकिन फिर भी मैं जो गोल है वहां तक ना पहुंच पाऊं। The reason is, if I don't follow the principle of faith and the principle of humility,
I will never reach the goal. और इसका इसका जो कारण है वो यह होगा क्योंकि मुझे नियम को भी अब देखना होगा, जो नियम है विश्वास का और दीन रहने का. See, the Pharisees were the experts in those days of when Jesus came, experts of law, experts of Moses. और उन दिनों जो फरीसी थे वो नियम कानून इन सब के एक्सपर्ट थे. They were the people who really willed and people who tried to run the fastest. But when the second person of Trinity came, they crucified him. और ये वो लोग थे जो सच में बहुत दौड़ना चाहते थे उस लक्ष्य की ओर पूरे मन से, परंतु जब जो दूसरा व्यक्ति ट्रिनिटी में से आए उन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया. एंड जस्ट रिमेम्बर दिस वर्ड, गॉड हैज टू शो मर्सी ऑन मी ईच डे ऑफ माय लाइफ. और ये हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर को मुझ पर हर दिन कृपा दिखाना बहुत जरूरी है. I just want to show one verse in Psalms 36 and close. और मैं बस एक और वचन दिखाना चाहता हूँ. Psalms 36. भजन संगीता में से. Verse. भजन संगीता 36. And verse 10 and 11 is written, "O continue your loving kindness to those who know you, and righteousness to the upright in heart." भजन संगीता 36 का 10 और 11 वचन. अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों. So it's written, yeah, it's written, how can God's mercy continue in my life? तो यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो करुणा है वो मेरे जीवन में कैसे बनी रहेगी. Verse 11 says, let not the foot of pride come upon me. 11वां वचन कहता है अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए. And let not the hand of wicked drive me away. और न दुष्ट अपने हाथ से बल हाथ के बल से मुझे भगाने पाए. We are compared as the branch in a tree. हमको इस तरह से किया गया है जैसे कि हम एक टहनी है एक पेड़ की. And as that branch helplessly clings on to that tree, God wants us to helplessly cling on to Him every day. और जैसे वो टहनी पेड़ के भरोसे ही खड़ी रहती है लटकी रहती है उसी तरह हमको भी यीशु के सहारे ही खड़े रहना है. There is also a verse in Hebrews where it's written, "Let us press on to perfection." But it's also written, "If God, I think what is written, if God wills, if God permits, this we'll do." That is in Hebrews 6 verse 3. It's written, "Let us press on to perfection," but and this we'll do if God permits. और हिब्रानियों का 6 का तीसरा वचन उसमें ऐसा लिखा है यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे. So God has to show mercy on us every day, and for that the most important principles are principle of faith and principle of humility. और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अपनी करुणा हम पे हर दिन बनाए रखें और इसके लिए जरूरी है विश्वास और दीन रहने के नियम को पाले रखना. Yeah, I want to stop there. You know, Paul was in a state of mind that he is ready to go to, you know, have to lose the salvation for the sake of his people becoming saved. हम ये देखते हैं कि यहाँ जो रोमियो का 9वां अध्याय उसका 3रा वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि मैं अपना जो जो रक्षा मैंने पाया है उसको खोने के लिए भी मैं तैयार हूँ. That doesn't mean that he is considering the salvation, you know, valueless or anything, because he is considering that is most valuable. But his love for the people is far exceeding that. That is what this verse is talking about. इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो हैं उस रक्षा को तुच्छ मानते हैं, लेकिन वो इतना प्रेम रखते हैं उन लोगों से कि उनके लिए वो श्रापित होने के लिए तैयार हैं.
So when your love for people is so high, that is actually your sanctification. That is the nature of Christ in you. Even if you are willing to give up your salvation, you're not going to lose it, because you already gained much higher than that by showing the Christ-like love to the people. तो अगर हम जो प्रेम दिखाते हैं लोगों के प्रति, तो वो जो है यीशु मसीह के स्वभाव के समान है, और हम अगर ऐसा प्रेम रखेंगे तो हम जो है अपना जो रक्षा है उसे खोएंगे नहीं, क्योंकि हमने ऐसा प्रेम दिखाया है जो मसीह के समान है. So that same attitude should be there in us also. Even Moses had the same attitude. You know, he was ready to be, you know, forgotten for the sake of his people. हम इसी बात को मूसा में भी देखते हैं कि वो तैयार थे कि वो भुला दिए जाएं, कि जो इजरायली लोग हैं वो उन्हें परमेश्वर पीछे ना छोड़ दें. So this starts with little small things, you know, like, you know, maybe money. You know, Bible says, you know, make friends out of unrighteous mammon, so that you'll have friends in eternity. So, you know, are you willing to forgo little bit of money in your hand for the sake of people, you know, loving people, or love, making people, fellowshipping with people, brothers, or, you know, making people come closer to Christ? ये जो बात है, ये छोटे-छोटे बातों से शुरू होती है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है जो अधर्मी पैसा है उसके उससे कम प्यार करो कि जो अन्य लोग हैं उनको तुम जीत पाए. तो हम भी क्या इस बात के लिए तैयार है कि अपना पैसा थोड़ा बहुत खोने के लिए हम तैयार है, ताकि हम दूसरों के साथ जो मसीह हैं उनके साथ संगति में रह सके. So ultimately this is trying, what this is talking about is the love for your brother and love for the people is so high that there is nothing can be compared to that. So, इसका ये मतलब है कि जो पर जो लोगों के प्रति जो हमारा प्रेम है वो किसी और से हम तुलना नहीं कर सकते. We should progress in such a way that we hold on to nothing at the cost of our love for our brethren or love for people. तो हमें ऐसे आगे बढ़ना है कि जो कोई बात है उसके तुलना में हम लोगों से इतना प्यार करते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हैं. No, it says about Jesus, God loved Isaac and he, more than or hated Ishmael. You know, he loved Isaac. You know, it says, and also he says about he loved Jacob and hated Esau. What is what we read? और यहाँ ये भी कहा गया है कि जो परमेश्वर है उन्होंने इसहाक से प्रेम किया और इश्माएल से नफरत किया, वैसे ही याकूब से उन्होंने प्रेम किया और ईसो से उन्होंने नफरत किया. I don't know that says about whether he hated Ishmael, but he says that God has chosen Isaac, you know, over Ishmael. तो यहाँ ऐसा लिखा है कि उन्होंने जो है जो याकूब को उन्होंने चुना. So it says, you know, it was it is not that not the children of the physical descendant who are God's children, but it is the children of promise who are regarded as God's sovereigns. तो यहाँ ये लिखा गया है कि जो वादा है और जो वाचा परमेश्वर ने बनाया है उसको उन्होंने जो है शरीर के जो वंश है उससे नहीं बनाया, लेकिन जो आत्मिक रूप से वंश है उनसे परमेश्वर ने ये वादा और वाचा बनाया है. So as Sam said that we should not we cannot say that our faith and our actions are of no need because it's all sovereignty of God. God has chosen already. We cannot say that. हम जैसे ब्रदर सैम ने कहा कि हम हमारा जो विश्वास और हम जो चुनते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही उन्होंने निश्चय किया है कि क्या उन्हें करना है, लेकिन ऐसा नहीं है. Because God can always say something before we are born about what
our end will be, because he has a foreknowledge. He knew exactly how we will behave in the whole course of our life. परमेश्वर को पहले से ही हमारे बारे में जानकारी है, शुरू से ही, कि हमारा अंत कैसा होगा और हम कैसे जिएंगे, इसीलिए वो ऐसा चुनौती कर पाते हैं. He can, God will always keep on telling little bit of that foreknowledge once in a while in the scripture. So that does not mean that, you know, he is declaring, you know, that doesn't mean that person cannot change. But God is only declaring what he has already done in the future in advance before he was born, he is born. So iska ye matlab nahi hai ki Parmeshwar jo hai, what did you say, brother? I couldn't follow. Yeah, what I said is, you know, we cannot say that a person cannot change, since God has already said about him. But what God said is about, God telling is in advance what he would do, you know, in the future, in his life. So, Parmeshwar yahan pehle se ye nahi kehte hain ki wo galat raaste mein jayenge, lekin Parmeshwar apne पूर्व ज्ञान से ये बताते हैं कि वो ऐसा भी उनके जीवन में हो सकता है. So Isaac was actually sacrificed to God. You know, Isaac was not no more belonging to Abraham or anybody. He belongs to God. He's a God's son. That is why God could confidently say about Isaac, you know, and gave all the promises to him and his descendants. तो इसहाक को पहले से ही जो त्यागा गया था, इसीलिए परमेश्वर के द्वारा ऐसे कहा गया कि उन्हीं के द्वारा जो है वादा, जो है परमेश्वर का जो वादा है, और वो पूरा होगा. So God knew this in advance, so he said this in advance. तो उन्हें पहले से ही इसके बारे में जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने पहले से ही ये कहा. Yeah, that's all.